नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस खास वीडियो में। आज का वीडियो बहुत खास है, कनाडा को लेकर। खास तौर पे कनाडा ने, जैसे आप सभी जानते हैं, कि पासपोर्ट सबमिशन शुरू कर दिया है। अब एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस चीज का क्या मतलब निकलता है, आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जैन इनटेक कैसा रहेगा, बातचीत करने के लिए मौजूद है वीजा ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत सिंह बल। रंजीत जी स्वागत है। नमस्कार जी, प्रोग्राम देख रही सारी ऑडियंस को मेरे और टीम की तरफ से वेलकम। रंजीत जी, ज्यादातर स्टूडेंट्स जान चुके हैं कि कनाडा ने पासपोर्ट सबमिशन शुरू करवा ली है। अब इस चीज को आप एज एन एक्सपर्ट कैसे देखते हैं और जैन इनटेक कैसा रहेगा, क्या आप इससे अंदाजा लगाते हैं? देखो, मैक्सिमम दोस्तों तक ये न्यूज ऑलरेडी पहुंच चुकी है। सो पासपोर्ट सबमिशन जिनको अप्रूवल लेटर आए थे उनको आनी स्टार्ट होगी। अब इसका कनेक्शन क्या है जैन इनटेक के लिए, वो मैं थोड़ा सा इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो वीडियो से पहले मैं बताऊंगा कि जो भी दोस्त वीजा ऑफिस के थ्रू केस प्रोसेस करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट नोट कीजिए, tvostudy.com पे जाके आप एडमिशन का अपना प्रोसेस घर बैठे ही स्टार्ट कर सकते हैं। सो मेन पॉइंट जो हमारी वीडियो का है कि जनरी टेक पे इसका क्या साइन है या क्या इम्पैक्ट है, जो आपका क्वेश्चन था मैं उस पर आंसर देना चाहूंगा कि जनरी टेक को लेके ये एक पॉजिटिव साइन है। सो काफी टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे कि जनरी के क्या AIP आएंगे, क्या कोई अनाउंसमेंट कब आएगी कि आपका जो जनरी टेक है उसका वो ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, बच्चे ट्रेवल कर पाएंगे। ये बहुत से क्वेश्चन थे जिसका ये साइन जो है, जो एक आंसर है, इस अपडेट से मिलेगा कि उन्होंने पासपोर्ट जो मांगने शुरू कर ली जिनकी अप्रूवल ऑलरेडी आ चुकी थी। सो डेफिनेटली जनरी टेक जो है वो AIP के अंडर नहीं आएगा। अगर आना होता दोस्तों तो 15 सितंबर को निकले हुए 1 मंथ से ऊपर का टाइम हो गया, अभी तक अपडेट आ जाती कि AIP के अंडर ही आएगा। सो फाइनल अप्रूवल की तरफ जनरी टेक जो है वो चलेगा। अब बात आती है कि क्या उस कोर्स में जो है क्लासेस है वो ऑन कैंपस लगेगी। सो मैं यहाँ दोस्तों को क्लियर कर दूं, कुछ टाइम के लिए चाहे कोई भी कंट्री है उनकी जो क्लासेस है उसका पैटर्न ऐसे रहेगा कि कुछ पार्ट आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में ऑन कैंपस करोगे, कुछ पार्ट आप ऑनलाइन करोगे। ये चीजें रहनी है चाहे आप कनाडा में बैठे हो। सो ये सवाल करना कि सारा ऑनलाइन रहेगा या सारा ऑफलाइन रहेगा वो गलत हो जाता है। हाँ, कुछ कोर्सेस ऐसे हैं मेडिकल लाइन के जैसे होते हैं जहां पे आपको वहां मैंडेटरी है कि आप ऑनलाइन उसको नहीं पढ़ सकते, वो ऑन कैंपस ही रहने वाले हैं, लेकिन बाकी स्टडी भी कॉम्बिनेशन रहेगा ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस का, वो भी कनाडा में जाके। क्योंकि अब जो है नेक्स्ट इनटेक के जो है AIP जो है सिस्टम है वो नहीं आएगा, तो नेक्स्ट इनटेक में क्या होना है कि हमें फाइनल अप्रूवल्स दिखेगी और VFS की अपडेट की वेट है कि 31 अक्टूबर तक कोई अपडेट आएगी। और जिन बच्चों के AIP आ चुके हैं वो अपना आगे बायोमेट्रिक देके फाइनल अप्रूवल लेके वीजा पेस्ट कराएंगे, और जो जनवरी वाले बच्चे हैं वो अपने बायोमेट्रिक देके फाइनली अपना आगे का एडमिशन का प्रोसेस, क्योंकि उनका हो चुका है अप्लाई करने के लिए वीजा का प्रोसेस, उनका जो है फाइनल स्टेज में जाएगा। और जनरी टेक वाले बच्चे बेफिक्र हो जाएं, आपके लिए ट्रैवल की पॉसिबिलिटी जो DLA की लिस्ट आने वाली है उससे क्लियर हो जाएगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट में अगर आपका भी आता है आप ट्रैवल भी दोस्तों कर पाओगे। रंजीत जी, जैसे कि आपने बताया बहुत पॉजिटिव रहेगा जैन इनटेक, बहुत चांसेस है कि स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे, तो अभी भी जो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं किया है तो क्या जैन इनटेक के लिए अभी समय बचा है? देखो, जैन इनटेक के लिए लिमिटेड टाइम बचा है, लिमिटेड सीट्स बची है। मैं सितंबर से कह रहा था कि बच्चों को भी एडमिशन में चैलेंज आएगा आपको, क्योंकि बच्चे डेफर भी काफी करे थे। अभी भी वीजा ऑफिस के पास मेन साइट पे अगर बात करते हैं, टोरंटो साइट हो गया, जब आपने बाहर की प्रोविंस क्यूबिक हो गया, उसमें मॉन्ट्रियल जाना है आपने, जब वैंकूवर साइड कुछ कॉलेजेस जो है पब्लिक फंडेड या प्राइवेट कॉलेजेस भी हमारे पास है जिसमें आपको अभी भी एडमिशन मिल सकती है। सो अगर आपका जो प्रोफाइल है वो सूटेबल है, आपने IELTS किया हुआ है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल असेसमेंट के लिए हमारी वेबसाइट है tvostudy.com पे जा सकते हैं। और लास्ट के 2 वीक का टाइम बचा है जनरी टेक एडमिशन के लिए, सो रिक्वेस्ट है कि भी कांटेक्ट कीजिए और कनाडा पढ़ने का अपना सपना इसी साल में पूरा कीजिए। दोस्तों, अगर किसी भी वजह से आप डिले कर गए हैं और अभी तक जो एडमिशन का प्रोसेस है आपने शुरू नहीं किया, तो आप जल्दी नीचे दिए फोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।